हिंदुस्तान बड़ा है या अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हमारे हमारे जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है तीन सौ सत्तर के जरिए टच आर्टिकल थ्री सेवेंटी विदाउट विदाउट द द कंसेंट ऑफ स्टेट दे दफ दच इटाई संसद में अगर ये अस्थायी है तो फिर हमारा इलाहा भी अस्थायी है थ्री सेवेंटी हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है ये याद रखिएगा और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है लगती है। जीवन में आगे बढ़ने या विकास करने के लिए एक व्यवस्थित समाज की की जरूरत होती है। इसके लिए जिस उपकरण आवश्यकता है वह है नियम और कानून किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून जनता का विवेक होता है लेकिन जब कानून लिख दिए जाते हैं तो क्या वो हमेशा अनछुआ ही रहना चाहिए क्या परिस्थितियों को अनदेखा करके न्याय किया जा सकता है असल में अनुच्छेद 370 और 35 ए ये कुछ ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको इन्हीं संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले जो विशेष दर्जे हैं उसे हमें दो पहलुओं से देखने की जरूरत है इसका एक पक्ष तो ऐतिहासिक पक्ष है और दूसरा इसकी मौजूदा स्थिति आज़ादी के बाद एक कठिन परीक्षा कश्मीर के भविष्य को लेकर थी पिछले वीडियो में हमने उन परिस्थितियों की बात की थी जिनमें पर कश्मीर का भारत में विलय हुआ लेकिन प्रश्न अभी भी यही था कि क्या एक मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाला राज्य बिना किसी मतभेद और समस्या के एक हिंदू बाहुल्य और घोषित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश का हिस्सा बने रह सकता था कश्मीर की स्थिति अभी भी विवादास्पद थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में एक जनमत संग्रह करने की बात कही थी भारत और पाकिस्तान को ये निर्देश दिया था कि वो जनमत संग्रह की स्थितियों को तय करने के लिए बातचीत का एक आधार तैयार करें अच्छा जहाँ तक पाकिस्तान की बात थी वहाँ के राजनेताओं ने कहा कि साहब आ, उनका जो कश्मीर पर दावा है उसको किसी जनमत संग्रह की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कश्मीर की आज़ादी हर पाकिस्तानी का भरोसा है जब जब तक पूरा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता पाकिस्तान अधूरा रहेगा पाकिस्तान की ये जो ज़िद थी वो इस भय से भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि भारत के कई शक्तिशाली तत्व एक अखंड भारत में पाकिस्तान को दोबारा से हिंदुस्तान में मिलाने की बात कर रहे थे अच्छा, दूसरी तरफ कश्मीर पर अड़े रहकर भारत देश के विभाजन की परिकल्पना को कमजोर करना चाहता था जबकि पाकिस्तान बंटवारे को सुरक्षित रखना चाहता था कश्मीर के मुद्दे पर दोनों ही पक्ष पूरी तरह से अड़े हुए थे इस तरह कश्मीर की कश्मीर के आखिरी पत्थर तक के लिए लड़ाई लड़ना हर एक पाकिस्तानी का नारा बनता जा रहा था जबकि कश्मीर की एक इंच जमीन भी हाथ से ना जाने देना यह भारत के लिए एक पुख्ता विचार था सन उन्नीस जब जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर शेख अब्दुल्ला की पकड़ मजबूत बन चुकी थी शेख अब्दुल्ला हमेशा से पूरे जम्मू और कश्मीर की तरफ से बोलने का प्रयास करते थे जबकि सच्चाई तो ये थी कि कश्मीर घाटी में भले ही वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो लेकिन जम्मू क्षेत्र के हिंदुओं में वो बहुत तेजी से अलोकप्रिय होते जा रहे थे उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें बहुत कमी आती जा रही थी सन उन्नीस में जम्मू के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रज्ञा पार्टी एक प्रजा पार्टी का गठन किया गया इसका नेतृत्व तो 70 साल के एक बुज़ुर्ग प्रेमनाथ जोगरा डोगरा कर रहे थे लेकिन इन सारे परिस्थितियों को इन सारे आंदोलनों को शेख अब्दुल्ला ने जम्मू में हो रहे विरोध का जो ये सारा जो विरोध हो रहा था इसको कुछ मुट्ठी भर प्रतिक्रियावादी तत्वों की हरकत कह के, के खारिज कर दिया शेख के मन में अब कहीं ना कहीं ये बात घर कर रही थी कि भारत में कुछ प्रवृत्तियां अपने आप को मजबूती से सामने ला रही हैं जो देश को भविष्य में एक धर्म आधारित राज्य बना सकती हैं जहां मुसलमान खतरे में पड़ सकता है अब अब्दुल्ला भी कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने की इच्छा रखने का संकेत देते हुए नजर आने लगे थे वो भी राजा हरि सिंह की तरह ही कश्मीर को वैकल्पिक रूप से पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे यह उनका मानना था कि हम दोनों ही देशों भारत और पाकिस्तान की राजनीति से अलग रहेंगे लेकिन दोनों ही देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे हालांकि ये बात बहुत ही अव्यवहारिक थी क्योंकि एक छोटा सा और चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ एक लैंडलॉक कंट्री एक लैंडलॉक देश आ, किस तरीके से अपनी संप्रभुता बरकरार रख पाता अब्दुल्ला को भी अब ये लगने लगा था कि वो भारत में शामिल तो होंगे लेकिन इसके लिए उनकी अपनी कुछ शर्तें होंगी इन शर्तों में कश्मीर के लिए एक अलग झंडा रखना और कश्मीर की सरकार के प्रमुख के लिए प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करना भी शामिल था एक जमाने में अब्दुल्ला कश्मीर में नेहरू के आदमी माने जाते थे लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। सन उन्नीस की गर्मियों तक अब नेहरू भारत में अब्दुल्ला के आदमी बने बन गए थे नेहरू जी ने शुरू से ही टू नेशन थियरी का बहिष्कार किया था क्योंकि भारत की प्रकृति एक पंथ निरपेक्ष राज्य की थी तो यहाँ हिंदू और मुसलमान के लिए बराबरी के अधिकार की बात की जाती थी लेकिन जब कश्मीर का भारत में विलय होता है तो नेहरू जी के मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि हिंदू देश होते हुए भी मुसलमान इस देश में विलय के लिए तैयार हो गए इनको कुछ प्रिविलेज तो मिलने ही चाहिए शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री की इस इसी मनस्थिति का उन्होंने फ़ायदा उठाया और यहीं से अनुच्छेद तीन की आधारशिला बनी यह वह दौर था जब आज़ाद भारत का संविधान बन के तैयार हो चुका था और अब उन्नीस के दूसरे हाफ में जब लोग प्रस्तावना लिखे जाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो शेख अब्दुल्ला ने अपनी शर्तों की सिफारिश की नेहरू जी ने अब्दुल्ला को कहा कि साहब आप अंबेडकर जी से बात कीजिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं नेहरू जी ने कहा कि आप जो चाहते हैं अंबेडकर जी से कहें वो उसके लिए प्रोविजन्स कर देंगे अब्दुल्ला ने कुछ वकीलों की सलाह से 370 का एक प्रारूप तैयार किया और अंबेडकर जी के सामने प्रस्तुत किया हालांकि अंबेडकर जी ने वो प्रारूप देखते ही वो अब्दुल्ला पर बिगड़ गए उन्होंने अब्दुल्ला से कहा कि आप इस नए नए आज़ाद हुए मुल्क के साथ गद्दारी करने की बात कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है आप वहां किसी राज्य विशेष को के नागरिकों को कुछ अलग अधिकार देने की बात कर रहे हैं हालांकि अंबेडकर जी के साथ साथ कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भी इसका विरोध किया था जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय करना उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी नेहरू जी को लगता था कि कुछ सुविधाएं देने से कश्मीर के नागरिकों का मत अपने फेवर में किया जा सकता है अपने पक्ष में किया जा सकता है इसके लिए संघीय संविधान सभा में जो गोपाला स्वामी अयंकर थे उन्होंने उनकी नेहरू जी की सिफारिश पर ही उन्होंने धारा 306 सौ का प्रारूप प्रस्तुत किया और यही बाद में 370 धारा अनुच्छेद 370 बना इसे अक्टूबर उन्नीस से लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर के पास क्या विशेष अधिकार है अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की अनुच्छेद तीन लागू नहीं होती राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है 1976 का शहरी भूमि कानून भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360, यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता अनुच्छेद 370 की बड़ी बातें जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता है जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल छः साल होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच साल होता है भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरों में कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार आर लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है यहाँ सी ए जी कैग भी लागू नहीं है कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता है इस अनुच्छेद 370 के पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने मत हैं आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं ये कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। कश्मीर का विलय एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत हुआ था जिसमें रक्षा विदेशी मामले और कम्युनिकेशन को छोड़कर सभी मामले कश्मीर राज्य के पास थे कई लोग इसका भी विरोध करते हैं वो कहते हैं साहब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अब कोई महत्व नहीं है लेकिन इसकी कानूनी हैसियत को समझने की ज़रूरत है आप देखिए आप में से जो भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते होंगे वो ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आज भी उसका लिख दिया जाना बहुत ज़रूरी नहीं है लिखा इसलिए जाता है ताकि प्रूफ करना आसान हो जाए जब दो मुल्कों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कोई ट्रीटी हो जाती है तो उसका इंटरनेशनल लॉ में एक रूल है पैक्टा सन सर्वेंडा इसका मतलब क्या है कि जब दो देश किसी बात पर एग्री करें तो फिर वो उसकी इज्जत करें इसकी अवहेलना ना करें इसके समर्थक जो 370 के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को राजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए ये कहा जाता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की हमने अवहेलना की तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये भी प्रिंसिपल है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो पार्टीज़ इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर हो जाती हैं और अगर पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज़ अगर ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर होती हैं तो कश्मीर अब भारत का आ, भार, कश्मीर के भारत के हिस्सा रहने में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो जो भी 370 को रोकने के बारे में बात कर रहे हैं उनका इस पहलू पर उनको इस पहलू पर जरूर विचार करना चाहिए अच्छा 370 के समर्थक एक और तर्क देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के क्लॉज फाइव में राजा हरि सिंह ने यह शर्त रखी थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती जब तक हरि सिंह खुद उसे स्वीकार ना करें बाद में अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर उसे चेंज किया जा सकता है उसी के क्लॉज सेवन में ये बात कही गई थी कि राजा सिंह हिंदुस्तान का जो नहीं नहीं विशेषाधिकार होगा कि वो किस तरीके से किस तरीके के अरेंजमेंट के तहत भारत के संविधान को कश्मीर में लागू करेंगे इसके विशेष प्रावधान के संदर्भ में संसद के बनाए जाने बनाए गए कानून राज्य में तभी लागू होंगे जब राज्य सरकार की सहमति होगी इस बात को इसलिए भी गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि इस प्रकार के विशेषाधिकार अन्य राज्यों को मिले हैं जैसे महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड आसाम मणिपुर आंध्र प्रदेश तेलंगाना सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा कर्नाटक इस प्रकार के संविधान में आ, कि इसी जैसे संविधान के आठ तरीके के प्रावधान है आठ तरीके के प्रावधान है जो किसी भी संघीय संविधान में राज्य को स्पेशल स्टेटस के रूप में संघीय संविधान दे सकता है किसी भी संघीय संविधान में राज्य को स्पेशल स्टेटस देना कोई गलत बात नहीं मानी जाती यहां तक कि एक राज्य में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को भी स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग को दिया गया है गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब इसका उदाहरण है जहां तक कुछ खास जिलों को आ, की भी बात की जाए मतलब कुछ ऐसी सहूलियतें दी जा सकती हैं कुछ खास जिलों को भी कुछ खास सहूलियतें दी जाती हैं उनकी अपनी स्पेशल कंडीशंस के आधार पर आप नागालैंड का उदाहरण ले लें तो आप ये पाएंगे कि नागालैंड में भी संसद का बनाया गया ऐसा कोई कानून लागू नहीं हो सकता जो उनकी कस्टमरी लॉ के अगेंस्ट हो या उनकी धार्मिक और सोशल प्रैक्टिसेस से डील करता हो या उनके क्रिमिनल और सिविल जस्टिस को डील करता हो या ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रिसोर्सेज से डील करता हो इन सभी तरीके के प्रावधान संविधान में गुजरात आसाम सिक्किम के बारे में भी है नागालैंड में तो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है तुजैंग जिसके लिए तो अलग मिनिस्टर होता है तो अगर संसद किसी तरीके की ऑटोनॉमी अलग अलग राज्यों को देती है तो वह देश के लिए कोई खतरा नहीं है देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरा नहीं है बल्कि ये देश की इंटीग्रिटी को मजबूत करता है देश को जोड़ के रखता है एक लॉ होना अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे देश आ, हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं का देश है और हम अनेकता में एकता की बात पर बल देते हैं तो इस तरीके के तर्क वो लोग देते हैं जो 370 सौ ए की वकालत करते हैं अच्छा यहीं पर वो आगे आ, एक प्रश्न उठाते हैं कि ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है क्या ये राष्ट्रपति के ऑर्डर से समाप्त किया जा सकता है यहाँ भी थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है अनुच्छेद 370 में ही ये लिखा हुआ है Uh, कि क्या किया जा सकता है ऐसे में अनुच्छेद 370 के सब क्लास थ्री में लिखा है कि ऐसा राष्ट्रपति अपने ऑर्डर से कर सकते हैं लेकिन वो ऑर्डर तभी देंगे जब कश्मीर की संविधान सभा उस रिजोल्यूशन को पास कर देगी लेकिन कश्मीर की संविधान सभा तो अब हमेशा के लिए डिजोल्व हो चुकी है समाप्त हो चुकी है हालांकि ये बात भी कही जाती है कि कश्मीर की संविधान सभा ना सही विधानसभा तो है अगर विधानसभा पास कर देगी तो पास हो जाएगा लेकिन प्रश्न यह है कि विधानसभा इस पर कब राजी होगी ऐसा तभी होगा जब कश्मीर के लोगों का ट्रस्ट हमारे अंदर डेवलप हो जाए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है अनुच्छेद 370 कश्मीर के मुकाबले भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है उन लोगों का कहना है कि भारत तो यही चाहता है ना कि जो हमारा संविधान है वो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर पर लागू हो जाए यही नहीं अगर हम ये चाहते हैं कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कमज़ोर हो जाए तो ये करने के लिए भी अनुच्छेद तीन सौ सत्तर ही एक रास्ता है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर भारतीय संविधान के शेड्यूल वन का एक राज्य है लेकिन कैसे ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 ऐसा कहता है कि आर्टिकल वन हमेशा 370 में इंक्लूड रहेगा अगर 370 हट जाएगा तो अनुच्छेद एक का विस्तार कैसे हो पाएगा इस बारे में भी प्रश्न उठाया जाता है इस बारे में भी इस बात की भी वकालत करते वो लोग जो 370 की वकालत करते हैं अच्छा वही लोग और क्या कहते हैं कि जो एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि नेहरू जी और गुलजारी लाल नन्ना ने आ, इस बात को बड़ा क्लियर किया था कि साहब ये 370 उन्होंने कहा था कि साहब ये एक टनल जैसा है जिससे इंडिया का सारा ट्रैफिक कश्मीर चला जाता है बहुत सारे ट्रैफिक जा चुके हैं बहुत सारा जाना बाक़ी है यहां ट्रैफिक का मतलब है कि भारत का संविधान और अन्य कानून हम कश्मीर में लागू कर देते हैं आर्टिकल 370 अब एक नाम मात्र की चीज रह गई है क्योंकि ज्यादातर संविधान हमने कश्मीर में इसी माध्यम से लागू कर दिया है हमारे राष्ट्रपति के 44 ऐसे ऑर्डर हैं जो कश्मीर के राज्य में लागू हैं ये 44 ऑर्डर 370 के तहत ही हुए हैं यूनियन लिस्ट की संतानवे आइटम में से चौरानवे जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी हैं संविधान के तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद में से दो सौ साठ हम लागू कर चुके हैं बारह में से सात शेड्यूल लागू हो चुके हैं हमने तो कश्मीर का भी संविधान 1970 के माध्यम से एडिट किया है कई बार हालांकि ये नामुमकिन था लेकिन 370 में हमें कश्मीर में वो करने के 370 हमें कश्मीर में वो करने की सुविधा देता है जिसको अन्य राज्यों में करने के लिए हमको संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी अच्छा एक और बात जिस पर वो ध्यान दिलाते हैं कि क्या कश्मीर को भारत का अभिन्न मान अभिन्न अंग माना जाएगा असल में इस सवाल का ही कोई मतलब नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान आर्टिकल थ्री अपने आप इस बात को कहता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है कश्मीर के संविधान के प्रस्तावना में संप्रभुता जब संप्रभुता शब्द नहीं है इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को आज़ाद नहीं माना है और भारत के अंग के रूप में ही खुद को स्वीकार किया है यहाँ कैटेगोरिकल एग्नोलेजमेंट क्या है कि ये जो संविधान बनाया गया है ना दिस इज टू फर्दर डिफाइन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद यूनियन ऑफ इंडिया एज इट्स इंटीग्रल पार्ट देर ऑफ मतलब कि कश्मीर के संविधान में खुद ही ये बात कही गई है कि कश्मीर भारत आ, कश्मीर का संविधान केवल भारत से उसके संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है कश्मीर के लोगों को भी उनका संविधान कश्मीर के लोगों को भी उनका संविधान उनको नागरिक नहीं कहता बल्कि वहाँ का रेजिडेंट कहता है रेजिडेंट यानी वहाँ के निवासी वहाँ के रहने वाले वो नागरिक वो भारत के ही हैं इतनी सारी पक्ष में बात की जाती है ये सारा महत्व बताया जाता है कि 370 क्यों नहीं हटना चाहिए ये सारी उसकी वजहें हैं उनका मानना है कि 370 हटने से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इन सब बातों के विपरीत जब हम 370 के विपक्ष में बात करते हैं मतलब उन कारणों की जांच करते हैं जिसकी वजह से 370 सौ सत्तर को हट जाना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए तो इतिहास को थोड़ा सा फिर से समझने की जरूरत है इसी क्रम में एक अलग तरीके से यहां यह भी देखना बहुत मजेदार होगा कि इतिहास को अलग अलग तरीके से कैसे इंटरप्रेट किया जाता है अभी तक आपने समझा था कि किस तरीके से हरि सिंह जी ने अपनी शर्तों के साथ विलय किया लेकिन जो लोग इसके विपक्ष में बात करते हैं वो ये नहीं मानते उनका कहना है कि हरी सिंह जी ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया वो बिल्कुल वही था जो अन्य राज्यों के पास था किसी तरीके का कोई अंतर नहीं था एक बात तो ये भी कही जाती है कि असल में ये कोई विलय था ही नहीं ये तो एक अधिमिलन था अधिमिलन का मतलब कि संबंधों को और मजबूत बनाना एक नए तरीके से परिभाषित करना आप इस बात की पुष्टि भी वो आ, कैसे करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ें उन्नीस पढ़ें तो आ, जो हमारे संविधान के पहले संविधान था तो उसके सेक्शन 311 में भारत की परिभाषा लिखी हुई है और इसमें जो भारत की परिभाषा है वो क्या कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दोनों को मिलाकर भारत कहा गया है उस वक्त का पासपोर्ट भी इंडिया से ही लेना पड़ता था भले ही ही आप किसी रियासत के राजा क्यों ना हो तो जब भारत से रियासतें बाहर है ही नहीं, तो विले विले तो क्यों होगा? पत्र नई व्यवस्था की शुरुआत करने का एक रास्ता था अच्छा यहीं पर एक बात और समझने की है राज्यों का विलय तो भारत में अब हो गया था लेकिन यह वो वक्त था जब आ, हिंदुस्तान का संविधान भी बन रहा था और एक संवैधानिक एकीकरण होना अभी बाकी था शुरुआत में दो संविधान बनाने की तैयारी हो रही थी एक केंद्र के लिए और दूसरा राज्यों के लिए या यूं कहें कि तीन संविधान बनाने की तैयारी हो रही थी रियासतों के लिए अलग से तो सभी ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई राज्यों ने अलग रियासतों ने अलग केंद्र की तो अपनी संविधान सभा थी ही जम्मू एंड कश्मीर ने तो 338 में ही अपनी संविधान सभा बना ली थी लेकिन सबके अलग अलग संविधान की वजह से एक रूपता में बहुत दिक्कत आ रही थी राज्यों के अलग अलग संविधान बनने से शासन व्यवस्था में भी दिक्कत होती खास करके रियासतों के द्वारा बनाए गए संविधान से क्योंकि रियासतों के जो राजा थे वो अपनी प्रिव्यू पर्स का भी ख्याल रखते अपने हानि का भी ख्याल रखते तो इसमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे सबके संविधान में और वो एक होने में दिक्कत हो रही थी तो इसको दूर करने के लिए एक एम के कमेटी बनाई गई उन्होंने राज्यों के संविधान को एक बार फिर से कि कैसे उसको एक रूप कैसे उसको आ, केंद्र के संविधान के साथ एक रूपता में लाया जाए तो उन्होंने एक संविधान फाइनल किया भारत में कि जब संविधान सभा की डिबेट हुई उसमें अंबेडकर जी और पटेल जी ने दोनों ये बात दोनों ने ये बात कही कि भारत Uh, के अन्य राज्य और रियासतों के शासन में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए इसलिए इन राज्यों और रियासतों के संविधान को भी संविधान में ही अटैच कर देना चाहिए और केंद्र और राज्य से संबंध वाला एक नया चैप्टर जोड़ देना चाहिए इसी के परिणाम स्वरूप संविधान की सातवीं अनुसूची में ये जो तीन लिस्ट हैं केंद्र सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची ये असल में वही व्यवस्था हैं जो राज्यों के लिए बनाई गई थी सभी राज्यों ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी और संविधान बनने के बाद खासकर करके देसी रियासतों ने इसे स्वीकार भी किया इस प्रकार अब देश का संवैधानिक रूप से भी एकीकरण हो चुका था देशी रियासतों के महाराजाओं ने तो ये स्वीकार किया कि वो और उनके आने वाले वंशज जो भी शासन करेंगे वो भारत का संविधान मानेंगे और भारत का संविधान उनके क्षेत्रों में लागू होगा यही नहीं ये भी बात मानी गई कि इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल प्रिवेल ओवर द लॉ ऑफ द स्टेट लॉज मतलब कि भारत के संविधान और राज्य के कानूनों के बीच किसी भी तरीके की विसंगति के मामले में भारत का संविधान राज्यों के कानून पर प्रभावी होगा अच्छा इस प्रकार रियासतों का राजा भी अब तभी तक राजा था जब भारत का संविधान उसे राजा मानता इस बात की पुष्टि एक केस से भी हो जाती है जो इंदिरा गांधी जी के समय में आई जब इंदिरा गांधी जी ने राजाओं की प्रीवी पर्स को खत्म किया तो सभी रियासतों के राजा सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया कि अब भारत में लोकतंत्र आ चुका है यहाँ राजा और प्रजा जैसी कोई चीज़ नहीं होगी तो जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का विलय भारत में कुछ कंडीशंस के साथ हुआ तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया में शर्त कहाँ से आ गई अच्छा अब बात करते हैं अनुच्छेद तीन की कि वो क्या पृष्ठभूमि थी जिसमें 370 को जोड़ा जाना पड़ा संविधान में आप देखिए जब अयकर साहब ने 370 का संविधान सभा में जब उनको तीन 370 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इसका सबसे पहला विरोध हसरत मोहानी साहब ने किया जो अवध से आते थे उन्होंने प्रश्न किया कि सभी राज्यों का अधिमिलन जब एक जैसा है तो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या स्पेशल प्रिविलेज क्यों देना चाहिए अयंगर साहब ने इसका जवाब दिया उन्होंने कहा कि साहब कश्मीर अभी युद्ध की स्थिति में है आधे भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है अभी अभी हम सीज फायर करके आए हैं हमने अपनी बात यूएनओ में रखी है इस परिस्थिति में कश्मीर में पूरा संविधान लागू करा पाना मुश्किल है राज्यों की तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए टेम्परेरी प्रोविज़न की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि अंतरिम रूप से ये प्रावधान लाकर हम राज्य की परेशानियों का समाधान करेंगे और इस प्रकार अनुच्छेद 306 जब 370 है सबसे कम समय के डिबेट में पास हो गया अच्छा इसी प्रकार 370 एक सौ प्रोविजन अनुच्छेद एक टेम्परे कश्मीर की हेडिंग के साथ संविधान में जुड़ गया जो आज 70 सालों से के बाद भी टेम्परेरी ही है अच्छा लेकिन अगर अनुच्छेद है तो उसको सीज करने की प्रक्रिया भी उसी अनुच्छेद में लिखनी पड़ेगी तो लिखा गया यह भी लिखा गया कि राष्ट्रपति जब उचित समझे जब उसे महसूस हो जाए कि सारी समस्या सॉल्व हो चुकी है तो उसे इसे सीज कर देना चाहिए अच्छा तो फिर जैसे रियासतों में संविधान लागू है वैसे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगी इस प्रकार जो लोग यह कहते हैं कि तीन एक टनल है तो वो गलत है यहां पर एक बात महत्वपूर्ण और है जो समझने की जरूरत है कि आ, ये आपको भी बहुत सारी बातें समझने में भी मदद करेगी आर्टिकल पैंतीस एक को भी यहां एक प्रश्न और था कि अगर उसको सीज करने का वक्त ही ना मिल पाए और भारत संविधान पर लागू आ, लागू भारत संविधान को अगर लागू कराना हो कश्मीर में तो प्रक्रिया क्या होगी यह बात भी हमने 370 में ही लिख दी ये कहा उसमें उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति कुछ मोडिफिकेशंस को छोड़कर सभी आर्टिकल्स को वहां लागू कर सकता है और जैसे जैसे समस्याएं हटती जाएंगी वैसे वैसे संविधान के आर्टिकल वहां लागू होते जाएंगे अब इस 370 के प्रावधान से एक महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि चाहे कोई कानून लागू कराना हो या रोकना हो तो पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति का एक आदेश से काम हो जाएगा लेकिन एक प्रश्न यह भी था कि राज्य की समस्या दूर हुई या नहीं यह कौन बताएगा जाहिर है राज्य बताएगा यानी कि राज्य की असेंबली ही तय करेगी कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ यानी कि अब स्टेट असेंबली की सलाह से केवल राष्ट्रपति के ऑर्डर द्वारा ही संविधान के आर्टिकल से यहां कानून लागू कराए जा सकते थे यहां थोड़ा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी समझने की जरूरत है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इस अनुच्छेद के तहत संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई एक शक्ति है कि वो राज्य विधानसभा से बात करके कुछ आदेश पारित कर सकता है इस प्रकार उन्नीस और उन्नीस में कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किए गए हमने अभी तक अधिकतम अनुच्छेद कश्मीर में लागू करा दिए हैं लगभग साढ़े तीन सौ के आसपास अनुच्छेद यहाँ कश्मीर में लागू हो चुके हैं ये प्रक्रिया चलती रही लगभग उन्नीस तक जब तक वो घाटी को खाली करने की कवायद शुरू नहीं हो गई इसी क्रम में जब अलग अलग अनुच्छेद वहां लागू कराए जा रहे थे तो एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 35 कैपिटल ए अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 35 ए की इस अनुच्छेद को उन्नीस में भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था इस आदेश का धारा 370 के खंड ए द्वारा मिली हुई शक्तियों के तहत 14 मई उन्नीस को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसको जारी किया था संक्षेप में यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर की विधान मंडल को अधिकार देता है यहाँ ये अनुच्छेद उनको रोजगार संपत्ति छात्रवृत्त, आदि के अधिग्रहण के मामले में इन स्थायी निवासियों को क्या विशेष अधिकार होंगे ये अनुच्छेद उसकी बात करता है अब आजकल इसकी बहुत चर्चा है बहुत ज़्यादा अलग अलग वजहों से इसको कोई समाप्त करने की बात करता है कोई कंटिन्यू करने की बात करता है तो इसको समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है असल में अनुच्छेद 35 ए के प्रावधानों की उत्पत्ति 1927 में हुई जब जम्मू के डोगरा को ये डर हो गया था कि पंजाब से आने वाले सर के लोग का नियंत्रण सरकारी नौकरियों पर हो जाएगा मतलब उनका ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब से आने वाले जो लोग हैं सारी सरकारी नौकरियों पर पंजाबियों का ही नियंत्रण हो जाए इसी से बचने के लिए उन्होंने महाराजा हरि सिंह से संपर्क किया इस आशंका से हरि सिंह ने 1927 और 1932 में नोटिफिकेशन जारी की जिसमें राज्य के विषय और उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया जम्मू और कश्मीर का संविधान जो 1956 में तैयार किया गया था 1927 और 1932 के नोटिफिकेशन में दी गई स्थाई निवासियों की परिभाषा को ही बरकरार रखा उन्नीस के राष्ट्रपति के आदेश ने एक रूप एक रूपरेखा प्रदान की जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच जो शक्तियों का विभाजन होना था उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 35 ए को शामिल किया गया था इसके बाद स्थायी निवासी को परिभाषित कर दिया गया अनुच्छेद 35 ए की मुख्य बातें अस्थाई नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना संविधान में कुछ भी हो फिर भी कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधान मंडल द्वारा क्रियान्वित नहीं होगा जम्मू और कश्मीर राज्य अस्थाई नागरिक कौन है अथवा होंगे इसे परिभाषित करना या ऐसे अस्थाई नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करना तथा अन्य व्यक्तियों पर इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार में नौकरी राज्य की अचल संपत्ति का अधिग्रहण राज्य में बसना या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति या ऐसी कोई अन्य सहायता अन्य भारतीय नागरिकों को इस आधार पर नहीं दी जाएगी क्योंकि यह अस्थायी नागरिकों के लिए असंगत या उनको प्रदत्त विशेषाधिकारों का हनन होगा इस अनुच्छेद को लेकर अभी बहुत विवाद है असल में पहला प्रश्न तो उसकी संवैधानिकता पर ही है यहां यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति को तो केवल संविधान के अनुच्छेदों को राज्यों में लागू कराने का अधिकार था ना कि नया अनुक्षेद बनाने का। यह तो संसद का काम है कोई भी नया कानून बनाना है अनुच्छेद जोड़ना है यह तो काम संसद करती है राष्ट्रपति ने कर दिया इस प्रकार यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है असल में जब उन्नीस में आ, जब यह जोड़ा गया पैंतीस कैपिटल ए बस वहीं से समस्या शुरू हो गई और सच पूछिए तो अनुच्छेद 370 की दिक्कत भी तभी से शुरू हो गई अनुच्छेद 35 कैपिटल ए को कई लोग संवैधानिक फ्रॉड के नजरिए से भी देखते हैं फ्रॉड वो क्यों कहते हैं क्योंकि कोई आर्टिकल संविधान में जोड़ा और जनता को बताया नहीं संविधान में लिखा संविधान में लिखा ही नहीं कैबिनेट से पास नहीं कराया साठ वर्षों तक 370 को ही समस्या माना जाता रहा जबकि असल समस्या तो 35 कैपिटल ए थी क्योंकि 370 जैसे कई सारे अनुच्छेद तो 15 से ज्यादा राज्यों में लागू हैं वहां कोई गड़बड़ी नहीं है आखिर जम्मू कश्मीर में ही इतनी समस्या क्यों है इतनी परेशानी क्यों है और जब इस पर विचार किया गया तो उत्तर मिला आर्टिकल 35 कैपिटल ए इस अनुच्छेद में राज्य में दो प्रकार के निवासी बना दिए इस अनुच्छेद ने दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया राज्य के निवासियों को एक तो वो जिनके पास अधिकार हैं और एक वो जिनके पास अधिकार नहीं है इस आर्टिकल की जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि इसमें परमानेंट रेजिडेंस ये डिसाइड करने का अधिकार स्टेट का था यानी परमानेंट रेजिडेंट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट हालांकि ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी डोमिसाइल तो हर राज्य का होता है लेकिन जो इसके आगे लिखा गया प्रॉब्लम उससे बढ़ गई उसमें क्या हो गया कि परमानेंट रेजिडेंस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्कॉलरशिप एंड द फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एक और चीज़ जो राज्य ने कही जो सबसे और ज्यादा खतरनाक बात थी उसने कहा कि सब राज्य का निवासी हम उसी को मानेंगे जो 1944 के पहले का होगा ऐसा कहने के पीछे जो कारण था वो ये कि बंटवारे के बाद आए हुए जो शरणार्थी शनरा, थे जो कश्मीर में आकर रुक गए उनकी आ, अब उनके आने से जो शरणार्थी पटवारे के बाद आ रहे हैं जाहिर है जिसको जहां जगह मिल रही थी उस वक्त वो वहां रुक रहे थे तो कश्मीर के कश्मीर राज्य का ये मान मानना था कि अगर जो बाहर से आए हुए शरणार्थी यहां रुकते हैं तो उनके डेमोग्राफी पर असर डालेगा तो ऐसा ना हो सके तो इन्होंने इस पैंतीसे में ये प्रोविज़न ऐड कर दिया कि साहब जो हम नागरिक उसी को मानेंगे जो उन्नीस के पहले आए हुए थे और इसका परिणाम ये हुआ कि आप देखें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इंद्र कुमार गुजराल जी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें ये सभी लोग पाकिस्तान से आए हुए लोग थे वो इस देश में रहे और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पर बैठे लेकिन उन्हीं के साथ उन्हीं लॉट में आए बहुत सारे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कश्मीर में आकर बस गया था आज वो कश्मीर में पंचायतों में भी वोट डालने का अधिकार नहीं रखता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कश्मीरी कश्मीर का वाल्मीकि समाज ये बात उन दिनों की है जब बख्शी गुलाम मोहम्मद वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त जम्मू कश्मीर के स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी अब वहां सफाई की बड़ी समस्या हो गई उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि वो अपने राज्य से कुछ स्वीपर्स को यहां भेज दें लेकिन पंजाब सरकार जम्मू एंड कश्मीर सरकार को जानती थी उन्होंने कहा कि साहब ये हम कैसे कर दें आपके यहां तो पीआरसी की बड़ी समस्या है पीआरसी मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो हम अपने कर्मचारियों को कैसे भेज सकते हैं वहाँ इस पर कश्मीर सरकार ने कहा कि वो तो हमारे हाथ में आप भेजिए हम मैनेज कर लेंगे और उनके कहने पर लगभग पांच हज़ार से ज़्यादा परिवार कश्मीर भेज दिए गए कश्मीर सरकार ने उनकी निवासिता आ, को उनको निवासिता देने के लिए अपने सर्विस क्लॉज में एक एक्सेप्शन जोड़ दिया जिसमें कहा गया कि सफाई कर्मचारियों के लिए पीआरसी की आवश्यकता ही नहीं है अब इसका परिणाम क्या हुआ कि सालों बाद जब उन कर्मचारियों के बच्चे बड़े हुए और जब उन्होंने शिक्षा और राज्य से अन्य सहायता मांगनी शुरू की तो सरकार ने कहा कि साहब आप तो हमारे निवासी हो ही नहीं और ये जो रिलैक्सेशन आपको मिली है वो केवल सफाई करने के लिए मिली है आप सफाई कर सकते हो बाकी के लिए आप हमारे नागरिक नहीं माने जाएंगे अब आप देखिए इसका मतलब ये है कि अगर उन स्वीपर्स का बच्चा कोई डॉक्टर हो जाए इंजीनियर हो जाए वो हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए तो भी वहां वो केवल स्वीपर का काम कर सकता है बाकी उसके लिए कोई नौकरी वहां नहीं रखी है और पांचवी छठी पीढ़ी बीतने के बावजूद भी आज वो अपना पक्का मकान नहीं बना सकते उनको अधिकार ही नहीं है प्रोफेशनल शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं है और आप देखिए कि भारत जैसा देश जिस देश में दलितों के बारे में इतनी बात की जा रही हो साहित्य लिखे जा रहे हो मूवीज़ बनाई जा रही हो छुआछूत की समस्या को हम बहुत बड़ी समस्या के रूप में स्वीकार करते हैं एस सी एक्ट बनाते हैं संविधान में समानता की बात की जाती है ऐसे में जम्मू कश्मीर देश देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां संवैधानिक रूप से किसी को स्वीपर घोषित कर दिया जाता है अच्छा यह भी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में कई बार दलित राजनीति के आधार पर सरकारें बन जाती हो वहां ऐसे मुद्दे पर किसी भी नेता के कान पर जू तक नहीं रेंगती इन सद, इस संदर्भ में एक बात और भी ज्यादा परेशान करती है कि आप देखिए रोहिंग्या मुसलमान जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आए उनको जम्मू एंड कश्मीर निवासी मानता है जबकि लोग जो लोग कानूनी तरीके से वहां रह रहे वो आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सारी बातें अनुच्छेद ये केवल ये सारा अनुच्छेद ये तीन सौ पैंतीस जैसे अनुच्छेद केवल उस उनके वहां के स्थानीय राजनीतिज्ञों को शक्तिशाली बनाने के काम आते हैं हालांकि केंद्र में इसमें पूरी मदद करता है सामान्य जनता को कितना लाभ हो रहा है यह विचार करने वाली बात है अब थोड़ी बात यह और ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है कि 370 जो कि अधिमिलन के दो वर्ष बाद आया अनुच्छेद 35 ए जो अधिमिलन के सात वर्ष बाद आया और संसद द्वारा ही बनाया गया था उसको समाप्त करने के लिए राज्य की निर्भरता चाहिए यहाँ प्रश्न है कि क्या 370 और इस तरीके के आठ पैंतीस ए को समाप्त किया जा सकता है कुछ लोगों का मानना है कि 370 तब तक नहीं हटाया जाता हटाया जा सकता है जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस पर अपनी सहमति ना दे दे लेकिन यह समझना चाहिए कि ये परिस्थिति ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जरूरत है वाकई ऐसा उसमें प्रावधान भी लिखा हुआ है लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यह केवल उस परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूएंट uh, असेंबली की सहमति चाहिए जब प्रेसिडेंट बिना संसद गए इसे समाप्त करना चाहे एक महत्वपूर्ण बात और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 370 भी आखिर संविधान का ही तो भाग है और आर्टिकल तीन के अधीन आता है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि संसद किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकती है बशर्ते वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाए इसलिए 370 को समाप्त करने के लिए संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है और चूंकि 35 ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना था तो उसके लिए संविधान को संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है उसे केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से समाप्त किया जा सकता है हालांकि इसके लिए राज्यों के संविधान सभा की सहमति चाहिए लेकिन अब जबकि कश्मीर में संविधान सभा भंग की जा चुकी है तो राज्य विधानसभा की सहमति ले सकते हैं हम और राज्य विधानसभा की सहमति लेना वर्तमान परिस्थितियों में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है यहाँ इन ये जो सारी समस्याएं हैं इनको जो समझने के साथ खास करके इनको समाप्त करने की चीज़ ये असंभव नहीं है संसद चाहे तो विशेष बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है अब ये हमारे राजनीतिज्ञों जनता इन सब की इच्छाओं पर इनके मनोबल पर निर्भर करता है एक बार एक बैलेंस शीट बना के देखने की ज़रूरत है कि क्या हम नफ़े में हैं नुकसान में हैं जो भी ज़्यादा हो उसके आधार पर निर्णय लेने की बात है कश्मीर हमारा है हम कश्मीर के हैं इनको जब तक हम अलग अलग करके देखेंगे मुझे नहीं लगता समस्या समाप्त हो भाई क्या अलगाववादी ऐसा होने देंगे आपको नहीं जानना कि अलगाववादियों की समस्या क्या है वो क्या चाहते हैं आखिर उनके बा उनके बारे में बात किए बगैर क्या कश्मीर की कहानी पूरी की जा सकती है भाई भाई तो क्या कश्मीरी पंडितों की कहानी बताए बगैर कश्मीर की कहानी पूरी हो सकती है क्या आपको मालूम है कि भारत की प्राचीनतम व्यवस्थाओं में से एक कश्मीरी पंडितों की व्यवस्था थी जब भारत जब से भारत है तब से वो वहाँ हैं तो इतनी प्राचीन व्यवस्था के लोग आज अपने ही घरों के लिए तरस रहे आखिर वो क्या कारण था कि उनको अपना मूल निवास छोड़ना पड़ा आज वो अपने ही अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे क्या आप लोगों के भी यही सारे सवाल हैं? अगर आपको इनके जवाब जानने हैं स्टे कनेक्टेड विद अस